नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ रहिए और अपना जो अध्ययन है वो बराबर आप रखिएगा, क्योंकि बराबर मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास को लेकर के बातें इस टॉपिक में रहने वाली हैं। इसमें ये होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें विभिन्न सिद्धांत और हाइपोथेसिस की बात की जाएगी, यानी परिकल्पनाओं की बात की जाएगी, और उसमें से जिस प्रकार की हाइपोथेसिस बनती हैं उन पे चर्चा होगी, किस प्रकार से ग्रहों की, सौरमंडल के परिवार की या पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, इनको लेकर के इसमें चर्चा करनी है। इससे पहले इम्पोर्टेंट बात है वो बता देता हूं कि इस टॉपिक से छोटा सा आपको टॉपिक लगता है इसमें से क्या प्रश्न आया होगा, लेकिन आया है। तो 2022 में लेबर असिस्टेंट का जो आपका एग्जाम लगा था उसमें ये प्रश्न जो इसी टॉपिक का है, इसलिए मैं इसको पहले बता रहा हूं ताकि आप इस प्रकार के प्रश्नों को देखकर प्रत्येक टॉपिक में से आप अपना अध्ययन जो है वो करना प्रारंभ करें। देखिए, मैंने कभी भी कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं बताया है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता होता ही नहीं है। आप बराबर मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप चाहे किसी भी कर्म की बात कर लीजिए, कर्म को पूरा करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आप आगे निकल पाओगे। क्योंकि यहाँ जो बेरोजगारी की जो तीव्रता है वो काफी बढ़ती जा रही है, तो कंपटीशन भी काफी टफ होते जा रहे हैं। इसलिए प्रत्येक बच्चे को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात जरूर आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जो ये क्लासेस होती हैं, ये क्लासें भूगोल के सभी विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी होती हैं, चाहे से वो रीट की एग्जाम दे रहा है, चाहे से वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, चाहे से वो कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहा है। तो ये काफी यूजफुल क्लासेस होती हैं। अभी तो इसमें जो क्वेश्चन था आपके लिए वो आया, जो आपके एग्जाम भी लेबर असिस्टेंट की उसमें ये प्रश्न आया हुआ है और उसी को हम देख लेते हैं। उसके बाद में जैसे आप थ्योरेटिकल अध्ययन करते हैं, हाँ ये जरूर है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप सारे के सारे मिलेंगे, एक साथ भी मिलेंगे, इनकी पीडीएफ भी मिलेगी, लेकिन वो जो हमारा ऐप है सीकर क्लासेज ऐप है उसको आप खरीदेंगे तो काफी बेनिफिट आप लोगों को होगा। उसमें आपको टेक्स्ट सीरीज भी फ्री मिलती है, तो आप उसको आप खरीदें और उससे आपको पीडीएफ भी उपलब्ध होगी, टेक्स्ट सीरीज भी आपको फ्री मिलेगी। चलिए इस प्रश्न पे बात कर लेते हैं। प्रश्न आया था निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ये सीधी सी बात थी, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। आया कि एक तो ग्रहणों परिकल्पना, दूसरी है गैसीय परिकल्पना, द्वितारा परिकल्पना और निहारिका परिकल्पना, ये हाइपोथीसिस है, परिकल्पनाएं हैं, किससे संबंधित है, ग्रहों के निर्माण से संबंधित हाइपोथीसिस है कि ग्रहों का निर्माण या सौर परिवार का निर्माण या पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। जो प्रारंभिक जो दार्शनिक विद्वान थे उन लोगों ने अपने अपने विचारों से अपने अपने हाइपोथेसिस को ईजाद किया और उसी के आधार पर पूरी सौर परिवार का जो बनने की जो प्रोसेस थी उसके बारे में इन्होंने बताया था, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो प्रारंभ करना ही होता है, ये बहुत जरूरी है। तो ये ग्रहणों परिकल्पना अब इधर ले लिए ना, सुमेलित करना आपको कि ग्रहणों परिकल्पना किसकी है, गैसीय परिकल्पना किसने दी, द्वितारा परिकल्पना किसने दी और निहारिका परिकल्पना किसने दी। ये जो प्रश्न था इसका जो जवाब है, अब आपको ये पता करना होगा, ये पता रखना होगा कि किसने
कौन सी परिकल्पना दी थी। ये आपको कॉम्बिनेशन याद रहेगा तो आप इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं। आप तात्पर्य समझ गए होंगे कि प्रत्येक पॉइंट आपको पढ़ने की जरूरत है। बस मेरा मतलब यही था आपको समझाने का कि कोई टॉपिक छोटा बड़ा कमजोर ज्यादा हाई ऐसा कुछ नहीं होता है। टॉपिक टॉपिक होता है, समझना आप लोगों को है, जानकारी आप लोगों को, अप्लाई आप लोगों को करनी है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ ये नहीं है जो आपको सिलेबस दिया जाता है उसको पूरा कीजिए, ये नहीं है कि ओहो वैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हवा में कुछ नहीं होगा, काम करोगे सब तब होगा, खाना खाओगे तब पेट भरेगा, बोलने से कुछ नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अगर मैं इसका जवाब दे देता हूँ पहले कि ग्रहणों परिकल्पना किसकी थी, तो ये ग्रहणों परिकल्पना है चेम्बरलेन की, या ग्रहणों परिकल्पना चेम्बरलेन की। इसके बाद में है गैसीय परिकल्पना, और गैसीय परिकल्पना जो है कांट की है, हम जैसे जैसे आगे चलेंगे पढ़ेंगे किसकी है, इमैनुअल कांट की। द्वितारा परिकल्पना ये है रसेल की, द्वितारा परिकल्पना ये है रसेल की, हम आगे पढ़ेंगे द्वितारा परिकल्पना होती क्या है। इसके बाद में निहारिका परिकल्पना तो अपने आप बच गया एक लाप्लास की। तो इस प्रकार से ये इसका एक कॉम्बिनेशन जो इसका हल है जो आंसर है वो तैयार होता है। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से आपको देखना होगा, पढ़ना होगा, इस प्रकार के प्रश्न आसान टॉपिक से बन जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक सिद्धांतों को लेकर के अब चर्चा करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब को लेकर के यहाँ आपके लिए आरंभिक सिद्धांत यानी कि पहले के जो सिद्धांत जो प्राथमिक रूप से इन सिद्धांतों को देखा गया इन्होंने बताया उस प्रकार से हम चर्चा करने वाले हैं। तो देख लेते हैं मुख्य रूप से कि आरंभिक सिद्धांतों के अनुसार हम पृथ्वी की उत्पत्ति की अगर बात करते हैं, क्योंकि इन विद्वानों के द्वारा जो हाइपोथेसिस दी गई हम उसी को लेकर के चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इसके बारे में बात करने लग गए तो काफी लंबा समय खिंचता है। और इसमें ये भी हो सकता है कि हम देवी देवताओं की भी बात कर लें, हम इसमें विज्ञान की भी बात कर लें। तो इन सभी बातों को अगर लेकर के चर्चा करते हैं तो एक तरफ यहां अगर भगवानों को लेकर के चर्चा करें तो आपने बहुत सारे नाटक और फिल्म देखे हैं, उनमें जैसे विष्णु पुराण है या महादेव जी का कोई नाटक है या शक्ति का कोई नाटक, तो उसमें एक प्रारंभिक शब्द कहे जाते हैं, मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं, या अर्थात प्रारंभ भी वही है और अंत भी वही, इस प्रकार की उस पर चर्चा होती है। लेकिन इसमें अगर क्यों का प्रश्न लगाते चले गए तो सुनने की तरफ जाएंगे, फिर सुनने पे भी कोई ना कोई प्रश्न उठा सकता है कि सुनने क्यों आया, कैसे आया, क्या कारण था, तो ये नेगेटिव इफेक्ट में प्रश्न चले जाते हैं। क्योंकि हम इस प्रकृति को देख रहे हैं तो हम पॉजिटिव स्थिति की और देखते हैं बात करेंगे, चल लेते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो आरंभिक सिद्धांत हैं वो क्या कहते हैं। कहते हैं कि एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक, ये ध्यान रखिएगा जर्मन है, दार्शनिक है, इमैनुअल कांट का है, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो इमैनुअल कांट ने कोई बात कही हाइपोथेसिस के बारे में, उनको लिए लिखा गया कि प्रारंभिक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत है, प्रारंभिक भी है और लोकप्रिय मत भी है, किसके लिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए या ग्रहों की उत्पत्ति के लिए, किसका है ये मत, इमैनुअल कांट का है, ठीक है। और इमैनुअल कांट की इससे पहले हमने देखी कि गैसेस हाइपोथेसिस है, गैसीय परिकल्पना है। अब यही इसी परिकल्पना में, किसकी परिकल्पना में, कांट की जो हाइपोथेसिस थी उसी में 1796 में गणितज्ञ, ये ध्यान रखिएगा याद आप बोल रहा हूं मैं, गणितज्ञ
लॉलेस ने इसका संशोधन किया। किसका किया? यानी कि दार्शनिक जो इमैनुअल कांट थे, इन्होंने जो मत प्रस्तुत किया था उसमें लॉलेस ने संशोधन किया, और संशोधन के बाद में उस परिकल्पना को क्या कह दिया गया? निहारिका परिकल्पना। तो आपने प्रश्न में पढ़ा था कि निहारिका परिकल्पना किसकी है, तो लॉलेस की निहारिका परिकल्पना है, ठीक है। लेकिन लॉलेस ने किसमें संशोधन किया था, कौन से हाइपोथेसिस में संशोधन किया था? उस हाइपोथेसिस में संशोधन किया जो कि इमैनुअल कांट ने प्रस्तुत की थी, और इमैनुअल कांट की गेस ये थी। तो उसमें लॉलेस ने संशोधन किया, और वो संशोधन करने के बाद में लॉलेस की निहारिका परिकल्पना बनी, ठीक। अब बात कर लेते, अब ये जो परिकल्पना थी इसी को लेकर के बात कही गई कि इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण, यानी कि ये जो परिकल्पना थी निहारिका परिकल्पना, इस परिकल्पना को लेकर के बात कही गई है कि इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। किससे हुआ है? घूमते हुए पदार्थों के बादल, यानी पदार्थों के जो बादल जो घूम रहे थे उनसे किसका निर्माण हुआ है? ग्रहों का निर्माण हुआ है। छल्लों के रूप में अलग निकले, संगठित हुए और ग्रह बनते चले गए। इसके बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन की, चैम्बरलेन की जैसे अपने पहले देखी थी, कौन सी परिकल्पना थी? ग्रहणु परिकल्पना थी। कौन सी परिकल्पना थी? ग्रहणु परिकल्पना थी। तो इन्होंने कहा 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में, इन्होंने कहा है कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। अब यहां जो बात आती है कि जो चैम्बरलेन और मोल्टन कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा, तो एक अन्य भ्रमणशील तारा इसका मतलब सूर्य पहले था, इसके बाद में एक तारा और आया, तारा सूर्य के नजदीक आया तो गुरुत्वाकर्षण बल लगा, और गुरुत्वाकर्षण बल लगने की वजह से, आकर्षण बल लगने की वजह से सूर्य की सतह से पदार्थ सिगार नुमा आकृति के रूप में बाहर निकले, तारा आगे की तरफ निकलता चला गया, वो पदार्थ तारे के पीछे आते चले गए, और एक समय ऐसा हुआ कि जो इससे जो पदार्थ निकले थे वो सूर्य के चारों ओर घूमने लगे, और पदार्थ संघनित हुए, और संघनित होने से वो क्या बने? ग्रह बने। इस परिकल्पना का या इस मत का जो समर्थन किया वो किसने किया था? जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी ने किस मत का समर्थन किया? चैम्बरलेन और मोल्टन ने जो मत प्रस्तुत किया है इस मत का इन्होंने समर्थन किया। तो यहां से आप चीजें ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है कि जैसे ही अपने बात कर ली कि भाई निहारिका और उससे फिर ग्रहों का निर्माण होना ये बात की, लेकिन यहां आप कह रहा है कि कुछ समय बाद, यानी समय बीतता चला गया, उस समय के बाद में जो बात कही गई कि कुछ समय बाद के तक, ठीक है, सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं, यानी कि एक सूर्य या एक तारे के साथ साथ में जैसे जैसे समय बीता गया उस वो हाइपोथेसिस पुरानी होती चली गई, जैसे जैसे नए लोग आते चले गए तो उनका मत बदलता चला गया, और उस बदलते मत के साथ में एक दूसरी बात और सामने आने लग गई। तो वही बात थी कि इसीलिए कहा कि कुछ समय के बाद के जो तर्क आए उस तर्क में कहा गया कि सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं, ठीक है। अब एक और, यानी कि सूर्य के साथ में एक साथी तारा और होना, इसका मतलब दो हो गए, ये मानते थे। अब ये आला कि इनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है कि ये कहां से आए, पहले सूर्य कहां से आया, वो सारी चीजें, क्योंकि यहां तो उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें कहां से आई, लेकिन ये आगे की तरफ पॉजिटिव है, आपको देखना है। ये तर्क
अब इस प्रकार का जो तर्क था कि यानी कि एक सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की जो बात आती है, ये जो शब्दावली काम करती है, इससे कौन से सिद्धांत निकलता है? द्वि तारक सिद्धांत, यानी कि ग्रहों की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति दो दो तारों से मिलकर के हुई है, उसको जिसको आप द्वि तारक सिद्धांत या द्वि तारक परिकल्पना के नाम से जानते हैं। और ये एक सिंपल सा नाम है बाइनरी थ्योरीज, ये बाइनरी थ्योरीज के नाम से भी सीधा आपके लिए प्रसंग बन सकता है, के नाम से जाने जाते हैं। तो ये अब हम एक तारे की बजाय दो तारे से, यानी कि ग्रहों की उत्पत्ति की भी दोनों के अलग अलग होंगे और इनमें जो परिकल्पनाएं होंगी अलग अलग लोग इसमें आएंगे, तो वो हम आगे बात करेंगे कौन होंगे। नेक्स्ट आए थे 1950 ईस्वी में रूस के ऑटो सिमिट व जर्मनी के काल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में किया संशोधन। किस परिकल्पना में? निहारिका परिकल्पना में। उनके क्या विचार थे? उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ, जो सूर्य जो है, उन्होंने बताया कि जो सूर्य जो है एक सौर निहारिका से, अब निहारिका गैसीय पुंज है, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सूर्य जो है उस एक निहारिका से यानी सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्य था किसका था, घिरा हुआ था किसका बना हुआ था, तो जिससे वो घिरा हुआ था, हाइड्रोजन हीलियम और धूल कणों से, हाइड्रोजन हीलियम और धूल कणों से बिल्कुल होता है, ये होता है की बनी थी, कौन बनी थी? निहारिका। इन कणों के घर्षण व टकराने से, यानी कि ये जो कण थे इनके साथ में, धूल के कण जो थे ये आपस में जब इनमें घर्षण हुआ और वो टकराए, तो टकराने से घर्षण की वजह से तस्त्रीनुमा बादल का निर्माण होना इन्होंने बताया। किसका? तस्त्रीनुमा बादल का निर्माण, एक तस्त्रीनुमा बादल का निर्माण हो गया हुआ, और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ है, यानी अभिवृद्धि, उसमें रोटेशन रोटेशन सब आते चले गए और उससे अलग अलग छल्ले निकले, ग्रह उनसे ग्रहों का निर्माण होना, यानी कि अभिवृद्धि प्रक्रम ये जारी रहता गया और ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार की हम जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जिस हाइपोथेसिस की हम बात कर रहे थे, ये सारी की सारी हाइपोथेसिस आरंभिक सिद्धांतों को लेकर के थी, कि आरंभिक सिद्धांत पृथ्वी की और ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं अद्वैतवादी जो संकल्पना, जो हाइपोथेसिस या कंसेप्ट जो थी, जिसको पेरेंटल कंसेप्ट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पेरेंटल कंसेप्ट, पेरेंटल संकल्पना भी इसे कहते हैं। किसे कहते हैं? अद्वैतवादी संकल्पना। अगर इस प्रकार का प्रश्न बनता है तो ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार यानी कि ये जो अद्वैतवादी संकल्पना या पेरेंटल कंसेप्ट है, क्या कहता है? ये कहता है कि इसके अनुसार पृथ्वी तथा ग्रहों की उत्पत्ति के केवल एक प्रभुत्व के ग्रहों की उत्पत्ति केवल एक तारा से हुई है। यानी कि ये किस प्रकार की संकल्पना है जिसको पेरेंटल कंसेप्ट आप कह रहे हो, कि ये बता रहा है, ये कंसेप्ट ये कहता है कि पृथ्वी या ग्रहों का निर्माण सिर्फ एक तारे से हुआ है, ये कंसेप्ट है इसका, ये ध्यान रखना है। अब इस कंसेप्ट में कौन कौन थे, यानी कि एक तारक परिकल्पना के जो समर्थक या एक तारक परिकल्पना के आधार पर ग्रहों और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जिन्होंने बताया, हम वो उनकी बात कर लेते हैं कौन कौन से, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अद्वैतवादी संकल्पना निम्न में से किसकी है, ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न यहां बन सकते हैं, तो उन पर आपको ध्यान रखना है। कांट की कौन सी थी? वायवीय राशि परिकल्पना यानी गैसीय हाइपोथेसिस। दूसरी है लैपलेस की निहारिका परिकल्पना, यह आपको ध्यान रखना है। कास्ते द बफन की अगर हम बात करते हैं, तो यही एक ऐसे व्यक्ति थे, विद्वान थे, सर्वप्रथम प्रयास इनके द्वारा यह किया, यह बताने के लिए किया गया कि सौर मंडल की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। तो प्रथम प्रयास किसका रहा कि सौर मंडल की उत्पत्ति एक तारे से हुई है? कास्ते द बफन, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद में सब इसके इसमें थे रॉस है और लाकियर है। ये सब ये जो जितनी हाइपोथीसिस हैं, ये अद्वैतवादी या एक तारा परिकल्पना है या पेरेंटल कंसेप्ट पर आधारित हैं, और इन्होंने सब एक तारे से पृथ्वी या ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में अपने मत या अपने हाइपोथीसिस को रखा है।
देव तारे क्या द्वैतवादी संकल्पना के जो समर्थक रहे हैं या इस संकल्पना के तहत अपने मत प्रस्तुत किए हैं या आपने हाइपोथेसिस दी है वो कौन कौन से हैं? इसमें आप ये आपको ये तो पता है द्वैतवादी संकल्पना में क्या होता है, यानी कि दो तारों से इस ग्रह या पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार की जो हाइपोथीसिस दी है तो वो कौन कौन लोग हैं? एक तो है चेम्बरलेन की जो ग्रहण परिकल्पना है, इसके बाद में जेम जिन्स की द्वारीय परिकल्पना है, और रसेल की द्वितारक परिकल्पना है, और ऑटो सिंड की अंतरतारक धूल परिकल्पना है। तो ये चार जो लोग हैं, चेम्बरलेन है, जेम जिन्स है, रसेल है, ऑटो सिंड है, ये किस संकल्पना का को अपना जो मत है वो देते हैं या समर्थन देते हैं? ये देते हैं द्वैतवादी संकल्पना के पक्ष में। इन्होंने बात कही और उन्हीं के आधार पर अपनी हाइपोथेसिस दी, और हाइपोथेसिस देने के बाद में ये बताया कि इस प्रकार से ग्रहों और पृथ्वी का जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो हुई है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो आधुनिक सिद्धांतों को लेकर उसमें हम चर्चा करेंगे, और उसमें से कहीं ना कहीं कभी भी कहीं भी आपको कोई एक पर्सन बिग बैंग थ्योरी से मिल जाता है। तो अगली जो क्लास है उसको आप जरूर देखें और ध्यान दें और पढ़ें। धन्यवाद। नमस्कार।